वाला योलो है oh. यो... हेलो फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम कैसे आप लोग आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे एंड वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल तो सुबह उठते ही जिम आके अच्छे से वर्कआउट पूरा डन हो गया वर्कआउट करने के बाद ख़ुद को मिरर में देखने का मज़ा ही अलग है क्योंकि खुद को फिट एंड फाइन खूबसूरत रखने के लिए मेहनत करना बहुत ज़रूरी है इंटरनल और एक्सटर्नल बोथ मैं घर आ गई आके आज मैं बहुत ही मतलब आज मुझे बहुत कुछ खाने का दिल कर रहा था पर मैं ज़्यादा मतलब बाहर का जंग खा के मैं चीट नहीं करने वाली हूँ घर पे ही कुछ अच्छा सा बना लूँगी तो मैं अपने लिए बना रही हूँ चिकन और खुशका पुलाओ खुशका पुलाव आई I मीन mean, जो लोग वेस्ट बंगाल से हैं उन लोगों को पता ही होगा का पुलाव के बारे में तो मम्मी बनाती है यहाँ पे तो मम्मी है नहीं अकेला लिविंग अलोन गाई तो खुद बना रही मेरे को खाना बनाना सब आता है गाई सब मैं सब सीख गई हूँ शादी के बाद मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा मेरा पति और घर वाला भी खुश रहेगा टेन टेन एन आप लोग भी बनाया करो सर so, यहाँ पे मैं चिकन बना रही हूँ मैं अकेला खाऊंगी तो दो लेग पीस ही काफ़ी है मेरे लिए एंड आज मैं मतलब आज बोल के नहीं मतलब तो कभी कभी दिल करता है तभी बनाती हूँ तो आज दिल किया तो आज ही बना ले रही हूँ क्योंकि वैसे मैं हेल्दी खाना ही खाती हूँ तो कभी कभी घर पे बना के खा लिया करो तो वो बेटर है और ये देखो मेरा छोटा चूहा मैं काम करूँ और टॉम मेरे साथ ना आया ऐसा हो नहीं सकता वो मुझे देख रहा है कि देखो मम्मा काम कर रही है कितना क्यूट देखो आए अल्लाह इसको देखते ही ना प्यार हो जाता है जितना बार देखो इसका प्यार में ही मैं घिर जाती हूँ <laughs> और अब मेरा खुद का पुलाव भी बन गया मैं ऊपर से मैं घी डाल रही हूँ ये इस घर पे बनाते हो कुछ भी तो आप कोशिश कर सकते हो कि आप हेल्दी ही बनाओ यहाँ पे मैंने ऑयल यूज़ एकदम नहीं किया है मैंने पूरा घी से बनाया है घी हेल्दी होता है हेल्दी फैट रहता है स्किन और हेयर दोनों के लिए अच्छा होता है और आपके बॉडी के लिए भी अच्छा होता है और ये घी मेरी अम्मी ने मुझे दिया था मैं जब जब घर जाती हूँ अम्मी मुझे घी देती है मैं कुछ लेके आऊँ ना लाऊँ मैं घी ज़रूर लेके आती हूँ क्योंकि घर पे बना के देती है और मैं टॉम को थोड़ा सा प्यार कर रही हूँ कैसे प्यार ले रहा है मेरा देखो ज़रा <laughs> तो ऐसे ही मेरा काम चलता है किचन में तब तक टॉम भी आता है मुझे देखता है मेरे पास मैं क्या करती हूँ नहीं करती हूँ और टाइसन को सबसे मतलब नहीं है एसी ऑन कर दो उसको सिर्फ तो सोना ही सोना है ऐसे ही मेरा दिन गुजरता है मैं अकेले यहाँ पे रहती हूँ घर से दूर तो सब कोई पूछता है कि मुझे मतलब पेट को मैं कैसे संभाल लेती हूँ सब कुछ अकेले कैसे कर लेती हूँ गैस जो लोग बाहर रहते हैं उन लोगों को पता होगा आस्ते-आस्ते ना धीरे धीरे ना सब कुछ आ जाता है आपको ये लाइफ ना आदत पड़ जाती है तो मेरा कुकिंग तो हो गया अब घर की थोड़ा सा सफाई हो जाए मैं रोज़ तो नहीं पर जब जब मुझे ऑफ मिलता है मेरा काम से मेरा ऑफिस से तब तब मैं जब मतलब हफ्ते में मेरा दो दिन दो दिन ऑफ रहता है तो दो दिन में मैं कोशिश करती हूँ मैं पूरा घर को क्लीन रख मतलब ऐसे तो रोज झाड़ू पोछा ये सब तो लगता रहता है पर फर्नीचर वगैरह रोज़ रोज नहीं होता है ना वो हफ्ते में तीन चार दिन हो जाता है और दो दिन मैं थोड़ा डिप क्लीन करती हूँ और करते करते थोड़ा थक गई तो थोड़ा सा पानी पी लेती हूँ क्योंकि हाइड्रेशन भी ज़रूरी है अपने आप को हाइड्रेट रखा करो मेरा घर में ना हर जगह पर एक एक बॉटल मिलेगा मैं रख देती हूँ जब जहाँ मुझे मिले मैं पानी पी लेती हूँ और अच्छे से मैं थोड़ा सा अभी अपना फर्नीचर को ज़रा पोछ लूँगी मैं हमेशा क्लीन रखती हूँ मैं बहुत ज़्यादा क्लीन गर्ल हूँ मेरा घर पे दो पेट है आ, कोई भी आता है तो वो उन लोगों को पता नहीं चलता है क्योंकि मैं हमेशा क्लीन करके रखती हूँ और टाइसन के लिए यहाँ पे दही और चावल और हाँ दोस्तों एक बात और अभी जिसके घर पे भी डॉग है दही चावल एटलीस्ट आप लोग दिया कीजिए क्योंकि डॉक्टर उस दिन जब मैं गई थी टाइसन को दिखाने के लिए डॉक्टर ने मुझे यही बोला था कि अभी थोड़ा चिकन मटन ये सब थोड़ा सा कम खिलाने के लिए क्योंकि इतना ज़्यादा गर्मी है कोलकाता में तो भयंकर गर्मी है बॉडी ठंडा रखेगा हाइड्रेट रखेगा और कोशिश करे कि थोड़ा सा पानी ना बोल बोल के पिलाए मतलब बाबू पी लो ऐसा मतलब थोड़ा सा मस्का मार मार के मैं तो वैसा करती हूँ और अभी उसको थोड़ा सा पैंपर क्योंकि खाने के बाद वो एकदम बैठा रहता है मैं चाहती हूँ कि दस पंद्रह मिनट अपने थोड़ा सा खेले ताकि उसको डाइजेशन में प्रॉब्लम ना हो तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि उसको मैं थोड़ा सा खिलाओ खाने के बाद तो मुझे टाइम मिलता है तो मैं ये सारे चीज़ करती हूँ क्योंकि तो पेट रखना मतलब ये नहीं है पेट को हमेशा अपने बच्चे के जैसे केयर करना होता है हमेशा उसको हर एक चीज़ के लिए उसको सही से गाइड करना बहुत ज़रूरी है इसका तो हो गया है अब टॉम को नाई नाई करा देते हैं टॉम को देख रहे हो अभी छोटा चूहा दिख रहा है ना <laughs> मेरा टॉम बाबू को घर पे ही मतलब उसको नहला देती हूँ बात देती दे क्योंकि ये जो मैं लोशन डाल रही हूँ उसका थोड़ा सा इन्फेक्शन हो गया था तो ये लोशन से डीप बाध देना पड़ता है तो ये सारी चीज़ जो बाहर में पेट शॉप मतलब जहाँ पे शलून में वहाँ पे सही से मुझे सही से मतलब मैं कंफर्टेबल नहीं होती हूँ मुझे लगता है कि मैं जिस तरीके से करूँगी जैसे माँ हमारे माँ कैसे करती थी हम लोग वो सेम फीलिंग मेरे अंदर आ गया है मैंने दो बच्चों जब से मेरा आया है घर पे एंड मुझे तो मेरा तो यही दो बच्चे हैं और मैं तो इसकी माँ हूं तो मुझे तो टेक केयर करना पड़ेगा टाइसन को मैं नहलाती नहीं हूं मतलब नहलाती हूँ जब बहुत ज़्यादा मतलब जब मुझे अपॉइंटमेंट नहीं मिलता है क्योंकि वो थोड़ा बड़ा डॉग है ना इतना छोटू सा बाथरूम शुरू होते ही खत्म हो जाता है उसके लिए मसला होता है पर मैं मेरे टॉमू टामूबू को मैं एकदम बाहर नहीं उसका हर एक चीज में खुद ग्रूमिंग करती हूँ और मेरा बच्चा बहुत अच्छे से मतलब सब बोलते कैट नोस देता है तो वो डिपेंड करता है आप कैसे उसको गाइड कर रहे हो कैसे उसको टीच कर रहे हो मेरा बच्चा तो मेरा हर एक बात भी सुनता है मेरा को कभी नोचा ना चाहिए कुछ नहीं कुछ नहीं और ना काटता है ना कुछ वो वो खेलने के टाइम पे मेरा हैंड को मेरा अपने मुँह में लेके खेलेगा पर कभी कुछ करता नहीं है और वैसे भी हमारे बच्चे हैं तो इनका तो ध्यान रखना मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो भी बच्चे आ, मतलब अपने पेट अपने घर पे रखते हैं उस सबके बच्चे जैसे ही होते हैं तो ये टेक केयर बहुत ज़रूरी है मैंने उसको नहला दिया नहलाने में थोड़ा सा डरता है तो थोड़ा सा पैम्पर कर रही हूँ और अभी थोड़ा सा उसको ड्रायर से ड्राई कर रही हूँ पर उसको मैं जो कूलिंग जो हवा आता है उससे मैं ड्राई कर रही हूँ एकदम हॉट हवा एकदम नहीं अभी समर टाइम है एकदम नहीं तो मैंने सुखा दिया अभी मैं उसको पूछ अच्छे से थोड़ा सा कॉम कर रही हूँ क्योंकि ग्रूमिंग बहुत ज़रूरी है और देखो कितने अच्छे से बैठा हुआ है देख रहे हो आप लोग सच सब कोई बोलता है कि कैसे तुम ट्रेन करते हो भाई बहुत मेहनत लगता है बहुत टाइम लगता है आपको एक आ, एनिमल्स को आप मतलब इंसान जैसा सब कुछ उसको दिमाग में डालना वैसे आप जैसे चाहते हो वैसे डिसिप्लिन सिखाना आपको बहुत टाइम देना पड़ेगा बहुत 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 मेहनत है तो दोनों बच्चों के पास मेरे बहुत सब कोई बहुत तारीफ करते हैं माशाल्लाह बट मैंने बहुत मेहनत भी किया है तब जाके ऐसा बच्चा मिला है मुझे और देख रहे हो उसका मुंह देखो आप लोग कितने अच्छे से कोम के अभी ना थोड़ा सा डर भी रहा था तो मैंने सोचा एकदम से सब कुछ करा देते तो उसका भी नेल कट कर रही हूँ सब बोलते हैं हमको ये भी सब बोलते हैं कि नेल काट तो नहीं हो सकता है कैट को नेल घर पर नहीं काट सकते तो नोज देता देख रहे हो आप लोग आप लोग सिर्फ देखो छोटा इंसान का बच्चा भी ऐसे बैठे नहीं होगा मतलब नहीं कर रहा होगा जैसे ये कर रहा है देखो कैसे मेरे को देखो 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 कैसे मुझे पकड़ रहा है ये मार नहीं रहा है खेल रहा है आप लोगों को ये मत सोचने उनको मार रहा है। ये खेल रहा है ऐसे मतलब अपने हाथों के लेकर ना मेरा मुँह को ऐसे पकड़ता है तो अब पीछे का जो पाँव है उसका उसमें थोड़ा सा वो डरता है पर फिर भी काट लेता बोले मेरा बच्चा देखो मेरे को भी प्यार कर रहा है मैं उसको जबरदस्ती बोलूँगी तो कि किसी दे मुझे मैं ऐसे करके कि किसी ले लेती हूँ जबरदस्ती वाला फाइनली टमु ने नाई नाई कर लिया टम को नहा दिया मेरा सफेद बिल्ला सफेद बिल्ला बन गया जब भी आप अपना कैट को कभी भी जैसे डॉग को और कैट को कभी नहलाओगे या फिर कभी कुछ ग्रूमिंग करवा रहे हो कुछ ट्रेनिंग दे रहे हो हमेशा ध्यान रखना उसको ट्रीट देना बहुत ज़रूरी है उसको गुड बॉय बोले उसके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें उसको थोड़ा सा ट्रीट दे ताकि उसको ये फील हो कि आप उसके लिए कितना इम्पोर्टेंट हो एंड वो जो कर रहा है वो सही कर रहा है तो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है ऐसा नहीं है कि आप कुछ कर दिए फिर छोड़ दिए आप बिजी हो गए कभी भी नहीं मैं ना जब से मेरे पास मेरा बच्चे दोनों बच्चे जब से आया है मैंने मोबाइल बहुत कम यूज़ करती हूँ मैं ज़्यादातर सोशल मीडिया में टाइम स्पेंड नहीं करती हूँ मैं इन लोगों के साथ करती हूँ मैं दोनों बच्चों के ऊपर मेरे को इतना ज़्यादा पॉजिटिव फील होता है बहुत सारा चीज़ लर्न करती हूँ सीखती तो हूँ इतना सुकून मिलता है और जितना ज़्यादा आप सोशल मीडिया में ये रहोगे कुछ नहीं सिर्फ स्क्रॉल करते रहोगे अपना आँखों को ख़राब करोगे और नेगेटिविटी इतना आ गया है ऊपर तो से कितना कुछ कुछ है इतना इतना बलगर टाइप वीडियो आ जाता है कि आदमी बेडरूम का भी चीज दिखा देता है ऐसा तो उसका तो हो गया अब देखो मैं टाइसन को ट्रिमिंग कर रही हूँ तो इसको मैं घर पे ही ट्रिम करती हूँ मतलब मैं इसको मैं सैलून लेके गई थी पर वहाँ पे जैसे ट्रिम करता है ना मुझे को एकदम पसंद नहीं आता और मैं क्या करती हूँ ट्रिम बहुत अच्छे से तो नीट एंड क्लीन करके करती हूँ मेरे को एकदम दूसरों का काम पसंद नहीं आता है और टाइसन भी जस्ट देखो एक तो जर्मन सेपर्ट है जर्मन सेपर्ट को सब बोलता है कि कैसे कर लेते हो पर मेरा बच्चा को देखिए एकदम लेट गया है और कितना अच्छे से देखो ट्रिम कर रहा है और उसको मैं अभी उस साइड में करूँगी तो देखो वो भी हो गया है दोनों बच्चे मेरा बात बहुत सुनता है दोनों बच्चे है भी बहुत अच्छे एकदम शरीफ सा बच्चा है मेरा और टाइसन को देखो जैसा मैं उसको घुमा रही हूँ कर रही हूँ वैसे ही ट्रिम कर रहे तो ऐसे ही मैं उसको एक्चुअली बहुत ज़्यादा गर्मी है ना तो लॉन्ग कभी मैं हेयर रखती नहीं हूँ इसलिए मैं सारे चीज खुद से ही ट्रीम ही उसको ब्रीथ मिले वो उस सुकून से रहे कोई इंफेक्शन ना हो कुछ ना हो और मैं देख कि स्किन में कुछ एलर्जी कुछ है नहीं ऐसा कुछ ना हो और देखो टॉम को देखो टाइसन को देख रहा है टाइसन का ट्रीम ऑलमोस्ट हो गया ये रहा टाइसन का सारा हेयर अब इसको मैं क्लीन कर लेती हूँ उसके बाद उसको नहलाना भी है बाकरूं, बाकरूं। छोटा सा बाथरूम पे नहलाता नहलाते मेरा ना कमर लग टूट गया पर टाइसन को आप लोगों ने देखा होगा कितना आराम से शांत से उसको जैसे बोलते मूव करने बैठने वो वैसे ही करता है इतना कॉपरेट करता है मेरा बाबू तो उसको अच्छे से मैंने नहला दिया है अभी अभी सबसे बड़ा टास्क पता है क्या है उसको ना ड्राई करना बहुत बड़ा टास्क है और मैं तो पसीने में लतपट हो गई और ये रही मेरी हाल मेरा बैंड बज चुका है और मतलब मैं क्या बोलूँ टप टप पसीना गिर रहा है और मैं एकदम मतलब मेरा कमर बॉडी पूरा एकदम दुख रहा है पर कोई नहीं बच्चा है करना तो पड़ेगा तो देखो जो लड़का टाइसन को जो घुमाने आता है ये लड़का घुमाने आता है मैंने बोला देख इसको ना अच्छे से ड्राई कर दे तो वही वही करे देख रहे हो लाट सब का इसका ही राज है मतलब इसका अलग ही है हाँ मतलब खिला खे, खे, खाएगा नहीं खुद से खिला दो सिर्फ सूसु और पॉटी खुद से करता है बाकी ये लड़का कुछ नहीं करता है इसका ही राज है भाई इसका ही जिंदगी है मोज यही कर रहा है और अभी इंतजार में मतलब अब ये लड़का को देख लिया ना अभी उसका दिमाग में यही है कि बाहर लेके चल और कुछ नहीं इतना सारा काम करने के बाद अगर आपको आपका मनपसंद खाना मिल जाए तब तो बाबा क्या कहने हैं तो मैं अपना खुश का पुलाव और अपना चिकन को इंजॉय करूँगी मैंने नहा लिया मैं फ्रेश हो गई हूँ अब ना सिर्फ खाना के थोड़ा सा रेस्ट करूँगी क्योंकि अब और ताकत नहीं है पर यह खाना करने के बाद ताकत हो जाएगा तो मैं सो गई थी थोड़ा देर अभी मैं थोड़ा निकली हूँ काम से थोड़ा निकली थी तो मैं जाते जाते रोड पे यहाँ पे पेट्रोल पम्प के सामने देख रही हूँ कि ये मैं ये दो जगह पे है ये जगह मैं नहीं आई हूँ तो यहाँ पे सारे आपको फ्लावर पॉट मिल जाएंगे छोटा बड़ा सब कुछ और आपको बहुत वैरायटी मिलेगा बहुत ज़्यादा मतलब बहुत रहता है बहुत बहुत रहता है मतलब इतना ज़्यादा कि आपका मतलब आप क्या ही लो और क्या ही छोड़ो ऐसा आपका डिजन हो जाएगा कब भी मिलता है बड़ा छोटा मेरे घर पे भी आपने देखा होगा या फिर देखा नहीं होगा जो मेरा जो स्टूडियो रूम है वहाँ पे भी ऐसा पॉट मैंने तीन चार मेरा है मैं लेके गई थी ऐसे, ऐसा वाला दो जगह पे बैठता है यहाँ पे एक है और दूसरा साइड पे और एक है जहाँ पे साउथ सिटी मॉल है उधर कलर है, ये कलर है, ये कलर है। तो आ ए वाला योलो है। आ। योलो है। एक एक दे दीजिए ज्यादा नहीं मैंने सिर्फ दो लिया है दो ही अभी छोटे छोटे सा लिया है जो बिग बिग है वो मेरा घर पे अभी जगह नहीं है रखने के लिए जब भी बाकी बाद में जब जरूरत होगा तो इनशाला ले लूंगी यहाँ पे आके ना ऐसा लगता है कि क्या छोड़े क्या ले चलो अब घर चलते नहीं तो सभी उठा लूँ मैं Hello, okay, we okay, okay. व्हाइट ले लिया है व्हाइट कैसा लग रहा है जरूर बताना है यहाँ पे देखिए आप लोग यहाँ पे व्हाइट में ना ब्लू ब्लू थोड़ा सा डॉट डॉट थोड़ा सा डिजाइन बना हुआ है बहुत ही प्रिटी लग रहा है ग्रीन आर्टिफिशियल कुछ भी यहाँ पे डालेंगे फ्लावर वगैरह तो बहुत ही खूबसूरत लगेगा और यहाँ पे ना और एक मतलब रेड नहीं और एक कलर था स्काई कलर तो वो भी अच्छा लग रहा था पर मुझे ना ये येलो वाला अच्छा लग गया है और ये जो मस्टर्ड कलर है ना ये तो अलग ही लग रहा है ना तो कौन सा आप लोगों को ज़्यादा अच्छा लग रहा है ज़रूर कमेंट करके बताना दोनों में मैंने ढाई सौ ढाई सौ करके फाइव हंड्रेड दिया है सो यस आई लव इट मुझे तो बहुत अच्छा लगा सो so, अब मैं अपने लिए डिनर बना रही हूँ मैं कोशिश करती हूँ खुद से बनाऊँ खुद से खाऊँ अच्छा ही खाऊँ हेल्दी खाऊँ और बस यही आज का दिन कैसा लगा आप लोगों को वीडियो ज़रूर बताना बहुत ज़्यादा हिटिक था दोनों बच्चों को नहलाना ग्रूमिंग करना सारी चीज़ करना मेरा तो कमर टूट गई है खाना पीना खा के अब मैं रेस्ट करूँगी तो कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोगों को कैसा लगा एंड मैं अकेली रहती हूँ सारे चीज़ संभालना करना थोड़ा सा टफ़ हो जाता है पर ठीक है लाइफ का ये भी एक एक्सपीरियंस है मेरा एंड आई लव इट कोई शिकायत नहीं है मैं खुश हूँ अपने ज़िंदगी में मेरा मॉम डैड भी खुश है तो चलो नेक्स्ट वीडियो में फिर आप लोगों से मिलते हैं तब तक लिए के लिए सब्सक्राइब किया ढेर सारा प्यार